Hello everyone, I hope you all are doing good. सो सी टेट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कई बच्चों को ये डाउट है कि हम सीटेट का रिज़ल्ट जो है डाउनलोड कैसे करें हमारे पास कॉपी कैसे होगी सीटेट के रिज़ल्ट की सो so, आज मैं आपको बहुत ही जल्दी से सिखाने वाली हूँ कि हम सीटेट का रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी का नहीं अगर उससे पहले के शिफ्ट का भी अगर आपके लास्ट ईयर का कोई पेपर सी का आपका दिया हो और आपने वो जो आपका सर्टिफिकेट है क्वालिफाई तो कर लिया आपको पता है लेकिन डाउनलोडर आपके पास नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते तो so, सो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको गूगल पे जाना है और डिजी लॉकर सर्च करना है ऑलराइट डी आई जी आई एल ओ सी के ई आर डिजी लॉकर जब आप सर्च करते हो तो आपके सामने क्या होगा ये ये पहला आपका जो लिंक uh, होगा दैट वुड बी digilocker.gov.in आप उस पे क्लिक करोगे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने लो ये खुलेगा ऐसे एक पेज ओपन होगा या तो आपके पास पहले से लॉकर का जो है आपने साइन इन कर रखा है, करोगे. जो है आप अपना फुल नेम डालोगे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देती हूँ ठीक है मैं अपना नाम लिखती हूँ कैरोलाइन ऑल राइट मैंने अपना यहाँ पे नाम डाल दिया मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ कोई भी पर्टिकुलर ठीक uh, है? अब मैं मेल, फीमेल जो भी आप 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 क्लिक करते करते हो, हो, टिक मोबाइल नंबर अपना डालोगे पूरा पूरा मोबाइल नंबर डालोगे उसके अलावा आप अपना ईमेल आईडी डालोगे ऑलराइट? राइट और उसके बाद ये जो है सिक्स डिजिट सिक्योरिटी पिन ये आपका सिक्योरिटी पिन है ये आप खुद बनाओगे और राइट इसमें छह डिजिट मिनिमम होने चाहिए आप ऐसा नहीं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके डाल दो आप किसी हिसाब से अपना जो है सिक्योरिटी uh, बन बना लोगे आप कुछ भी वट एवर यू प्रिफर टू वन एट सिक्स एनी थिंग ठीक है आप ये करके सबमिट करोगे और राइट जब आप सबमिट करते हो तो आपका बन जाता है इसमें uh, इसमें जो है आपका अकाउंट होगा इसमें आपका जो है प्रोफाइल बन चुका होगा और उसके बाद जो है आप <coughs> दे यू गो उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पे साइन इन करूंगी मेरा पहले से है सो so मैं जो है साइन इन करूंगी एक बार एंड उसमें जो है आपका आपको जो है सारे आपके आ, ये मिल जाएंगे अका डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे अब डॉक्यूमेंट्स का क्या है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको इसमें मिल जाएंगे चाहे आपको टेंथ की मार्कशीट हो ट्वेल्थ की मार्कशीट हो आपके ग्रेजुएशन के हो पोस्ट ग्रेजुएशन के हो जो भी होगा आपको वो मिल जाएगा एंड उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है, इट्स जस्ट दैट आपके पास रोल नंबर होना चाहिए और आप जो है उसके थ्रू बना सकते हो और राइट right? आप उसके थ्रू आपको मिल जाएगा ओ टीपी right. आएगा ठीक है चलो मेरा खुल गया डायरेक्ट मेरा डायरेक्ट खुल गया सी है वर्गेस अब मेरे पास यहाँ पे ये पेज ओपन होगा जब आपका प्रोफाइल होगा डिजी लॉकर में आपके पास ऐसे ओपन होगा जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और जो आपके पास इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ही आपके जो है दिखेंगे आपको अब मेरे पास जैसे यहाँ पे इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में जो है मेरे पास कई सारे पड़े अब हम देखते हैं कि हमारा Uh, का हम कैसे अपना अपलोड मतलब हम डाउनलोड कर सकते हैं आप क्या करोगे आपको लेफ्ट साइड में थर्ड सर्च डॉक्यूमेंट्स पे जो है आप क्लिक करोगे सर्च डॉक्यूमेंट्स में जब आप क्लिक करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट लिखा है ये रहा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और राइट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखना ये रहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राइट इसी के थ्रू होता है सी के थ्रू होता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है कई सारे जो है मार्कशीट्स का आपके पास ऑप्शन है क्लास टेंथ हो तो गया क्लास नाइन्थ हो तो गया क्लास ट्वेल्थ हो तो गया सारे ही जो है आपके पास मार्कशीट्स का ऑप्शन है आपके पास अगर आपका रोल नंबर है तो आप यहाँ से अपलोड डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद यहाँ पे देखो नीट का भी अवेलेबल है राइट right, कोई आपके पास स्किल है आपने स्किल skill सर्टिफिकेट कर रखा है आपके पास वो भी अवेलेबल है अब यहाँ एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्लिक करते हो यहाँ पे। all right, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, आप अपना रोल नंबर डालोगे मैं अभी अपना रोल नंबर मुझे याद नहीं है सो so आप अपना रोल नंबर डालोगे जो भी है और राइट right, जो भी आपका रोल नंबर है आप उसको डालो फॉर एग्जाम्पल एट नाइन फाइव फोर थ्री टू रोजाम्पल है ये ये है दो हजार तेईस का ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये है ईयर ऑफ मंथ लिखो ईयर और साल लिखोगे जैसे अभी का अगर आपको चाहिए दैट इज आपने जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में अगर आपने क्लियर किया है तो आप वो लिखोगे नहीं तो अगर आपका पहले का है और राइट right, अगर आपका पहले का है तो आप वो भी लिख सकते हो देखो ये देख रहे हो आपको 2018 दिसंबर तक का आपके पास यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है ठीक है सो 2023 का अगस्त एनी वन दैट यू वांट आपको वो पे पे मिल जाएगा और आप अपना गेट डॉक्यूमेंट क्लिक करोगे जब आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लिखा नीचे लिखा नीचे कि इट इज डाउनलोडेड अब आपके पास डिजी लॉकर में आपका आ, सीटेट का सर्टिफिकेट है अब आप उसको निकालोगे कैसे आप वापस जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे इशूड डॉक्यूमेंट्स है वहां पे क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो ढेर सारे जो है आधार कार्ड कोविड यहाँ पे देखो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी जो है अवेलेबल है और राइट right? तो आप वो जो है वहां से निकाल सकते हो ये मैंने अभी डाउनलोड किया है और दिखाने के लिए सो आप जो है ऐसे डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ से PDF में या जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए आप डाउनलोड करते हो तो आपके पास वो चीज अवेलेबल हो जाती है उसके बाद जहां चाहो वहां अपलोड कर सकते हो आपके पास आपके डिजी लॉकर में हमेशा आपके पास आपके जो है डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो कोविड वैक्सीन वैक्सीनेशन हो सी का हो ग्रेजुएशन का हो जो भी है एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड दैट वुड बी इट थैंक यू सो मच